हमने सीनियर की बहुत सारे के सुन लिए, तो मैं जीनियर को पूछना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा सीनियर का परफॉर्मेंस? मेरे ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ने कुछ खत लिखकर दिया है मुझे। खत कहे तो शायरी गाऊंगा ना। चेयरमैन साहब मिस्टर पॉपुलर बीएनजीसी नामा मार्टी ने कहा है, हमारे सीनियर की लिए खासकर गौर से सुनिएगा, कभी अलविदा मत कहना। बाबा का चला गया, कभी अलविदा ना मत कहना, क्योंकि अलविदा कहने से दोबारा मिलने का उम्मीद मर जाएगी। हमारे सर के लिए मेरे पास देखने का कुछ नहीं है, लेकिन उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मैं पीछे वाले को हमेशा बैक बेंचर कहते हैं, इसी तरह बैक बेंचर हमेशा शरारत करते हैं, तो पीछे पीछे हमारा सीनियर को सीनियर ने इतना प्यार से दर्द दिखाए, मैं क्या बोलूं। सायरी सायरी सायरी, आई डोंट लाइक सायरी can, because Sairi like me. It's your birthday, baby. मैं खुद को कभी कभी बहुत लकी महसूस करता हूँ, पता है क्यों? ना मैं टॉपर हूँ ना मैं लूजर। टीचर उन्हीं स्टूडेंट को याद किया जाता है जो सबसे टैलेंटेड थे और सबसे बिगड़ा। ना मैं बिगड़ा हूँ ना मैं अच्छा हूँ, फिर भी क्लास 10-12 से लेकर टीचर मेरे बहुत करीब हैं। हमारे एचओडी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर से अब मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आपने टीचर के करीब आने की कोशिश की? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की, फिर भी कुछ चल पड़ा। तो इस बार आपका एक मौका है डीएनजी में इंग्लिश डिपार्टमेंट का टॉपर देकर हमारा सारा नाम और ऊंचा कीजिए। सीनियर तैयार हो जाए, सीनियर सीनियर मेरे प्यारे सीनियर जरा आइए स्टेज पे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने खूबसूरत नाम हमारा सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर को ऐलान कर दीजिए। मेरी शायरी को चुटकी कर दिए, तो आपने वेकेशन किया है, तो मैं आप कुछ नया कहने वाले हूँ। हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट में जब भी मैं इंग्लिश क्लास जाता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि क्लास करके क्या फायदा, कॉलेज के बाद टेम्पो ही चलाना है। जब मैं अपने गुरुजी की चेहरे देखता हूँ, उसके यंग एनर्जी और इतने कम उम्र में उन्होंने इस स्टेज पर प्रोफेसर हासिल की है, उससे कहकर
अभी तक मेरा दूध का दांत नहीं गिरा, मैं क्यों ना कर सका हूँ, इसीलिए हर रोज कॉलेज का आनंद लेता हूँ। थैंक यू। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आते हैं तो मुझे फिर से आपके सामने आना पड़ा। फिलहाल मेरा नाम दिचिन लुंगू, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम में जाकर देखेंगे मेरे फॉलोअर से ज्यादा मेरा फोटो अपलोड बहुत ज्यादा। सीनियर के लिए मेरे प्यारे प्यारे और हैंडसम सीनियर के लिए बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जिससे हम कर ही नहीं सकता ये पद कहने ही क्यों देते रहते। तो मेरे पास तो इंतजार नहीं है, पग पग बातें करते रहेंगे, मेरे चप चप करके सुनते रहेंगे। सुनाने हम बहुत कुछ आए हैं, लेकिन आपके तालियां में भी थोड़ा जोर होना चाहिए। क्या नाचे थे उसने, जाते जाते उसने मेरे लिए शायरी छोड़ के गए हैं। क्या मैं सुनाऊं? सुनना चाहोगी सीनियर्स? जाए उससे एक का कहते हैं जो वीर के जाए, जो वीर में जाए उससे धक्का कहते हैं। कलाकारों ने बता दिए हमको क्यों उसे मंच का एक्का कहते हैं। मुझे आप सब सीनियर को यहाँ देखकर मुझे इतनी खुशी आई वो होते ना जो साथ माहौल से जब उठते हैं तो क्या होते हैं किसी को नहीं पता, वो खुशी होते हैं, लेकिन खुद को मत डालिए खुशी हो रही, मुझे बहुत खुशी हो रही। सीनियर भी पूजा चक्रे स्टेज में, तो मैंने इनको जाते जाते एक शायरी मांगा, तो उन्होंने क्या कहा तो पता है? उन्होंने कहा वो अपने कपल के साथ घुसे। लेकिन मैं आप सीनियर के लिए एक शायरी लेकर आया हूँ, सुनना चाहोगे? ना पैसे लगते हैं ना कर्ज लगते हैं, ना पैसे लगते हैं ना कर्ज लगते हैं, प्लीज प्लीज जरा स्माइल कीजिए, बड़े अच्छे लगते हैं।